नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड का फिल्मी बैकग्राउंड होते हुए भी सिर्फ अपने दम पर आगे जा चुके स्टार्स की लिस्ट में सबसे आगे नंबर आता है अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का। और इन दोनों अभिनेताओं की मूवीज इसी महीने मंथ 8 पर रिलीज हो रही है। तो दोस्तों, हीरोपंती और रनवे 34 में कौन सी फिल्म हिट होगी या कौन सी फ्लॉप, या दोनों ही मूवीज हिट होगी या दोनों ही मूवीज फ्लॉप, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों, साजिद नादियाला निर्मित और अहमद खान निर्देशित फिल्म हीरोपंती का बजट है 120 करोड़। और इस मूवी में प्रमुख भूमिकाओं में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतरिया। और दोस्तों, ये मूवी 29 अप्रैल 2022 को ईद के मौके पर रिलीज हो रही है। और दोस्तों, रनवे 34 जिसका निर्देशन किया है अजय देवगन ने और वही उसके प्रोड्यूसर है, इसका बजट है 40 करोड़। और ये भी मूवी हीरोपंती के ही सामने 29 अप्रैल 2022 को ईद के मौके पर पूरे भारत भर रिलीज हो रही है। दोस्तों, अगर बात करें इन दोनों मूवीज की, तो इनका एक ही दिन रिलीज होने की वजह से आपस में क्लैश हो रहा है। तो बॉक्स ऑफिस पर किस मूवी का पलड़ा भारी रहेगा, आगे देखते हैं। दोस्तों, रनवे 34 का म्यूजिक दिया है अमर मोहिले ने और हीरोपंती 2 का म्यूजिक दिया है एआर रहमान साहब ने। तो इस पॉइंट पर हीरोपंती का पलड़ा थोड़ा भारी लगता है। और दोस्तों, 2014 में साजिद नादियाला की फिल्म आई थी हीरोपंती, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और उसके 8 साल बाद ये मूवीज आ रही है, तो दर्शकों की इस मूवी के बारे में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, वही दूसरी तरफ अजय देवगन ने इससे पहले जो भी मूवीज प्रोड्यूस की थी और जिसका भी निर्देशन किया था, वो सब मूवीज फ्लॉप हो चुकी है। दोस्तों, भले ही अभिनेता के तौर पर अजय देवगन बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन निर्देशन के बारे में वो जरा कमजोर है। और इस बारे में भी पलड़ा हीरोपंती 2 का ही भारी हो रहा है। और दोस्तों, रनवे 34 का जो सब्जेक्ट है वो कुछ थोड़ा सीरियस है, जैसे कि खराब एनवायरमेंट होने की वजह से एक पायलट अपने विमान को कैसे सेफली लैंडिंग करता है और 141 पैसेंजर्स की जान कैसे बचाता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और दोस्तों, ये सब्जेक्ट थोड़ा रिलेट होने को कठिन है। और दोस्तों, हीरोपंती 2 में जो कि एक लैला नाम का इंटरनेशनल साइबर क्राइमर है, उसको अपना हीरो टाइगर श्रॉफ कैसे ठिकाने लगाता है, ये हीरोपंती 2 की स्टोरी है। दोस्तों, हमारी राय से ये दोनों मूवीज ही बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हो, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, फिल्म क्रिटिक्स तो पहले से ही ये कर रहे हैं कि केआरके ने तो साफ कह दिया है कि रनवे 34 बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह धराशायी होने वाली है। और भी क्रिटिक्स का मानना ये है कि हीरोपंती 2 का पलड़ा बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा भारी रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब जब बॉलीवुड की दो मूवीज का आपस में बॉक्स ऑफिस पर एक ही दिन रिलीज होने से टकराव हुआ है, तो उनमें से जो एक्शन पैड फिल्म होती है वो मास पब्लिक को ज़्यादा पसंद आती है और वो फिल्म सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हीरोपंती 2 का जो बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस रहेगा वो 100% रनवे 34 से दुगना जरूर रहेगा। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। और जाते जाते मेरा चैनल फिल्मवाला अविनाश को लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।